नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। तालिबान की हिमाकत को रोकने के लिए अमेरिका ने अब भयंकर बमबारी शुरू कर दी है और इस खतरनाक बमबारी में तालिबानियों के परखच्चे उड़ गए हैं। अभी तक अमेरिका ने B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब F-16 का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान की हिमाकत को रोकने के लिए अमेरिका ने B-52 बॉम्बर के बाद अब F-16 फाइटर जेट से हवाई हमला शुरू कर दिया है। यह हमला इस्लामीवादी सुन्नी पश्तून बल के सैन्य उद्देश्य को रोकने के लिए पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान में की गई है। अमेरिकी वायुसेना की मध्य कमान दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान के पश्तून गढ़ों में तालिबान के ठिकानों पर हमला करने के लिए भारी भरकम B-52 बम वर्षकों और AC-10 स्पेक्टर गगनशिप का भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी विमानों ने जोजान में सेबरगर्न और हेलमंद में लश्कर गाही पर भी बमबारी की है। काबुल स्थित राजनयिकों के अनुसार यह स्पष्ट है कि तालिबान पड़ोसी पाकिस्तान से सार्वजनिक आश्वासन के बावजूद बातचीत के माध्यम से सत्ता साझा करने के मूड में नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन की पूरी पश्चिमी रणनीति चरमरा गई है। आमने सामने बैठाने की कोशिश। इस्लामाबाद में 17 अगस्त से 19 अगस्त तक होने वाली शांति प्रक्रिया बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्य रूप से इस्लामाबाद की बैठक ब्रिटेन के सेना प्रमुख जनरल निक कार्टर और यूएस अफगान विशेष प्रतिनिधि जालमे खलीलजाद के दिमाग की उपज थी। अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को इस्लामाबाद के राजकीय दौरे पर बुलाने और मौके पर तालिबान सैन्य परिषद के साथ आमने सामने बैठक करने की कोशिश की जा रही है। कई बड़े नेता होंगे शामिल, हालांकि अभी तक इस बैठक में अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस बैठक में मुल्ला याकूब और सराजुद्दीन हक्कानी जैसे तालिबान नेताओं के विचार विमर्श में भाग लेने की उम्मीद है। वहीं अफगान सेना की बैठक भी 11 अगस्त को दोहा में निर्धारित है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, कतर, तुर्की, ईरान विशेष आमंत्रितों के रूप में बातचीत में शामिल होंगे। बैठक में पाकिस्तान को न्योता नहीं। पाकिस्तान ने शनिवार को इस बात पर अफसोस जताया कि उसे अफगानिस्तान का सबसे करीबी पड़ोसी होने के बावजूद युद्धग्रस्त देश की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय कार्यालय FO के एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए किया गया, जबकि उसे अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति है, जहां पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया और अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबानियों पर जमकर बमबारी शुरू कर दी है। तो इस खबर से आप कितना ताल्लुकात रखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।